मेरा भाई कहाँ है? यहाँ पर कुछ मर्डर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मेरे को पता नहीं है उस बात का। जब से 4 घंटे से मेरे भाई की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। रेलवे वालों को फोन कर रहे हैं हम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ पर मल्लारदेवपल्ली पीएस पे वहां पर फोन कर रहे हैं हम लोग, कोई एक्शन नहीं ले रहे। पुलिस वालों को फोन कर रहे हैं तो हम लोग से मिसबिहेव कर रहे हैं। अब ये हमारे को चुप चुप फोन कहीं क्यों कर रहे हैं? मैसेज दे दिए हम, हमारे को मैसेज देना हमारा काम है, मैसेज दे दिए। आप इतने फोन कहीं क्यों कर रहे हैं बल्कि अभी उल्टा हमारे से आर्गूमेंट आप कर रहे कितने हैं। बजे कॉल कर रहे थे मैं उन उनको? लोगों को 12 बजे मेरे भाई का 12 बजे से पहले मेरे भाई का ये केस हुआ। ये जब से अब तक हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए, फोन अच्छा उन जी, लोगों को जब और से क्या मार हुआ रही, हमारा? अब 3:30 हो रही है, ये टाइम तक उन लोगों को फोन मार रही तो उन लोग एक भी फोन रिसीव करने का उसमें नहीं है साहब। देखो अब भी मैं उन लोगों को कुछ कहाँ देर पर है पहले ये? फोन करा, मैं कौन सा एरिया है बड़म ये गड्ढा रेलवे ट्रैक पे है साहब। ये जी? क्या नाम है भाई का? मेरे भाई का नाम सैयद नदीम है, नहीं मैं आप एज 28 ईयर्स कौन है। से ट्रेन का ट्रेन हादसा है या का रेलवे नहीं का? है साहब, उनको मारे सो है ये, और इसके ऊपर इंक्वायरी होना है। हम लोग कुछ भी जब से हम लोग बोल रहे हैं, पुलिस वाले 1 रुपया कुछ कर रहे ही नहीं। जी, जब से हम लोग देख रहे हैं, कौन देखो से साहब पीएस वाले हैं वो ये मिले? मल्लारदेवपल्ली इन लोग को गया, यहाँ का केस इन लोगों का है ये। अब रेलवे वालों से मैं बात करा तो उन लोग क्या कैसा बात कर रहे हैं देखो साहब। सर, सर कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे। मेरे भाई की डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है सर। कितने की कॉल्स कर रहा हूँ, आ रहे बोल रहे हैं, आ रहे नहीं। पीएस ने भी कंप्लेंट नहीं ले रही। तो मैसेज दीजिए बस, फिर स्टेशन फोन नहीं करना। हम बिजी में रहते, ड्यूटी पे, हम मैसेज फॉरवर्ड कर दिए। स्टेशन को हमारा भी उधर स्टेशन नहीं साहब, जो इंसिडेंट हुआ वहां पर की बात कर रहा हूँ साहब मैं। एक बार कर मैसेज देखिए बस उनका। हेलो सर, ये कौन से पुलिस बस वाले हैं आप? ये पुलिस वाले रेलवे वाले हैं साहब, ये रेलवे वाले, ये बिहेवियर है क्या बोलो साहब बात करने का? और पुलिस वाले बेचारे भी जो है ना मल्लारदेवपल्ली वाले जो है ना बात कर रहे थे ये लोगों से, उसके बावजूद भी जो है ना ये लोग जो है कल कंप्लेंट रिसीव करने कैसे तैयार नहीं। 3 से 3.5 घंटे से हम लोग वेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, समझे? कोई आने कैसे तैयार नहीं है। पुलिस वाले आए आके आपका जो भी फॉर्मेलिटीज थी, अब हम जाके बोले साहब ये कंप्लेन हमको देना है मटर केस है ये। साहब देखिए अगर ट्रेन का मार, उनकी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी साहब, उनकी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। उनको काम से घर, घर से काम, उनका किसी से भी कुछ भी अमल दखल कुछ भी नहीं था। काम करते थे अपने भाई? इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे उन्हों। फिर मर्डर केस कैसा बोल रहे हैं भाई? उनकी उनकी हालत आप खुद देखे तो, फोटो देखे तो आप खुद बोलते भाई, ट्रेन से फोटो हुए तो टच हुए तो पूरी बॉडी डैमेज हो जाती थी। दूसरी जगह 10 जगह मार पड़ता था, खाली उनको गले पे यहाँ पर चरपटा है साहब। आप देखिए आप फोटो, आप उसमें देखिए, आप देखे तो आपको ही मालूम होता। हम लोग उन लोगों को फोन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अब तक आने का टाइम नहीं है। देखो साहब 3:30 हो रहे, काचीगुड़े से आना है। काचीगुड़ा यहाँ से 100 किलोमीटर तो दूर नहीं है साहब, 10 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से आने। इन लोगों को इतना टाइम कैसा होता साहब? हम लोग हर किसी को फोन कर रहे हैं, कोई भी हाँ हम बोल रहे हैं, हम पुलिस ये वाले भी, कर रहे हैं, बोल रहे हैं पुलिस वाले, पुलिस वाले भी बात कर कंप्लेंट दे रहे नहीं, हैं नहीं, पीएस पुलिस से, वाले भी पुलिस बात कर वाले रहे ना रेलवे स्टेशन वालों से, तो वो लोग से भी ऐसी बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन वाले। हम कंप्लेन देने के वास्ते गए थे तो बेचारे जो है ना वहाँ बैठ के जो है ऐसे ही साहब समझाए हमारे को कि आप लोग जो है नहीं ये रखो। वो लोग आते, वो लोग हमारे को कंप्लेन दिए तो हम जो है ना एक्शन में आते। बल्कि बोले ये रेलवे वाले कंप्लेन देना हम डायरेक्ट नहीं ले सकते जी, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट का काम है। फिर मेरी ये कौन बोल रही है? पुलिस वाले साहब बोल रहे हैं मल्लारदेवपल्ली जी। तो वहां से आना कंप्लेन बोल के, अब हम इनका वेट कर रहे हैं साहब, समझे? और इनका वेट करने का रीजन ये है, हमारे को ये सर्विलेंस जो कैमरे लगे हुए है इसकी वीडियो फुटेज से जो है ना कुछ अपने को सबूत मिलेगा। बेचारे जो है ना खादर भाई थे जब से, उन्होंने जो है ना हमारे को बहुत खादर भाई तसल्ली दे रहे यहाँ पर हमारे भाई को। हमारे भाई तो कोई यहाँ पर ऐसा हुआ बोल के देखे भाई के बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, रेसिडेंट मुगल्स कॉलोनी। यहाँ पर एक हादसा हुआ है, अब वो रोड ट्रेन क्रॉस करते हुए हुआ या कुछ और हादसा हुआ किसी ने बताया नहीं। पुलिस वाले आए, अभी इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर इतनी तकलीफ़ हो रही है, कितने हादसे हो रहे हैं, किसी का यहाँ पर आज हादसा हुआ फिर कल के भी दूसरे दिन भी हादसा होने के जो है ना चांसेस है। यहाँ पर इतने बार बोले स्टेट गवर्नमेंट ने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो। लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी, जो कॉन्ट्रैक्टर से, जब BRSC गवर्नमेंट थी, जब कॉन्ट्रैक्टर से वो लोग आधा अधूरा काम करके छोड़ के चले गए, जबकि हम लोग जो है ना यहाँ से मीडिया के थ्रू, मीडिया वाले सपोर्ट करने के बावजूद, मैं जो है ना सोसाइटी के लोगों को, तकरीबन लोगों को ले लेके जो है ना मुबीन मिर्ज़ा है, तकरीबन मीडिया रिपोर्टर्स है, उनके थ्रू जो है ना प्रोटेस्ट करके ये काम दोबारा स्टार्ट कराया गया था।
तो आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम स्टार्ट करवाया था तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट का जो काम जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना वो क्या कर रहे? आज ये रेवंत रेड्डी साहब के पास नहीं मालूम है अभी यहाँ का ब्रिज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा बोल के भी जितना भी कोशिश कर रहे कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट करके जो काम स्टार्ट करवा चुके हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स अगर जल्द से जल्द अगर ये काम स्टार्ट नहीं करे उनकी जो फाइल्स है ना सीधा रेवंत रेड्डी सीएम साहब के टेबल पे गिरेंगी। अगर जल्द से जल्द काम स्टार्ट नहीं हुआ तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अभी यहाँ पर जो वो कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, यहाँ पर जान जा रही है वही तुम्हारे घर के बच्चे की जान जाती तो तुम लोग क्या बर्दाश्त करते? आज इनके दिल के से पूछो जो नई नौजवान जो लड़का है मरहूम उनके दिल उनके घर वालों से पूछो आप कितनी तकलीफ हो रही है। वही अगर आपके घर पे अगर किसी का हादसा होता तो आपको तकलीफ नहीं होती? साहब अभी कितने लोगों की मौत हो चुकी है जब से काम शुरू हुआ है? हो सकता है चार से पांच जने अब तक तो इंतकाल हो गया यहाँ पर तो स्पॉट पे तो दो तीन जने तो इंतकाल हुआ था यहाँ पर यहाँ से मतलब ये जो स्पॉट पे हम जो ठहरे हुए चार पांच जने ठहरे हुए चार पांच हुआ था थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड और राइट साइड जो पटरियाँ जो क्रॉस करते हैं और आगे से भी लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हुए। और रही बात कॉन्ट्रैक्टर्स की बात बता रहा हूँ जल्द से जल्द अगर काम शुरू नहीं हुआ फिर दोबारा देखिए मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्टर जितने भी है मोहब्बत से भी बोलना चाहता हूँ मैं आपसे ये काम जल्द से जल्द चालू कराइए। सेंट्रल गवर्नमेंट के दो पिलर का जो काम है वो काम चलते जा रहा है। आप लोग जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर जो पेंडिंग पड़े थे ना पेंडिंग जो रखे तो काम ब्रिज के काम है वो कम से कम वन साइड का तो कराइए। अगर वो वन साइड का नहीं हुआ तो जितना यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ था ना यहाँ पर एक साइड का ब्रिज कम्प्लीट हो गया तो उसका रैंप तो बनाइए। तो इस किस वजह से रुक रहे हैं आप? आपको कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है तो बताइए आप लोग, हम उसके बाद में जो कार्रवाई है हम लोग करेंगे। आपके एरिया के एमएलए कौन है सर? एमएलए प्रकाश गौड़ साहब है यहाँ पर। तो उनसे कोई तोहफे से काम नहीं होता यहाँ पर? बीआरएस पार्टी के एमएलए प्रकाश गौड़ साहब यहाँ पर कभी आए थे ना कभी आएंगे ना कभी फ्यूचर में सोच भी मत रखिए उन लोगों की से। और ये मैलारदेपल्ली कॉर्पोरेटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिस्सा है ना बंदा, वो बीजेपी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है ना, तो बीजेपी गवर्नमेंट से बोल के करा सकता है ना। सेंट्रल से किशन रेड्डी मिनिस्टर है उनसे बोल के काम करा सकता है ना। मैलारदेपल्ली कॉर्पोरेटर के लिए यहाँ से नॉन मुस्लिम्स नहीं जाते, मुस्लिम्स नहीं जाते, सिख नहीं जाते, ईसाई नहीं जाते, सब लोग जाना ही है ना यहाँ से। कोई भी जाना तो क्रॉस करके ही जाना है ना। तो ये मैलारदेपल्ली कॉर्पोरेटर भी सपोर्ट कर सकते थे ना, कुछ ना कुछ आवाज़ उठा सकते थे, आवाज़ भी नहीं उठाए ना एमएलए ना कॉर्पोरेटर। इनका हक ही नहीं बनता अगले जो फ्यूचर में ना ना एमएलए फिर पोजीशन पे इन लोग ठहरना चाहिए ना कॉर्पोरेटर ठहरना चाहिए। अगर कभी ज़िंदगी में अगर ये लोग कभी ठहरे तो मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसे लीडरों को जो है ना आप वोट डाल के गलत कर रहे, क्योंकि जो लीडर्स है आवाम जो है ना चुनती है इनको वोट डाल के चुनती है कि पब्लिक के टाइम पे ऐसे टाइम पे आके ठहरना यहाँ पर, या तो कुछ नहीं हुआ तो भी आके कुछ भी एक प्रोटेस्ट करके कुछ भी एक काम कराना, ठीक है ना। मैं मोहम्मद खादर कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट।